सो हेलो एवरीवन एंड प्लीज वेलकम बैक अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल दी एआरसी व्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एआरसी व्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि अब हम किस स्कूटर के रिलेटेड रिव्यू करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में, आगे आपको पता लग जाएगा। और चैनल पर कौन है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए कमेंट करते रहिए। कार, बाइक या स्कूटर के रिलेटेड मैं जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, दिस इज़ फर्स्ट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल फॉर द इलेक्ट्रिक स्कूटर। इलेक्ट्रिक स्कूटर का ये पहला वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर आज अपलोड होने जा रहा है। तो आज मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो आप कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, देन कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट में बताएं आपको क्या अच्छा नहीं लगा। मैं उस टॉपिक के ऊपर पूरी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे वीडियो में इसके फीचर्स डिटेल में एक्सप्लेन कर दें। सो फ्रेंड्स, लुक एट दिस, हियर कम्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज योर 2021 जॉय ई वुल्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं इन रेड एंड ब्लैक कलर। काफ़ी एग्रेसिव और अट्रैक्टिव लुक है इस स्कूटर का, जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मैं स्लो मोशन में स्कूटर का 360 डिग्री दे देता हूँ, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी स्कूटर दिखती कैसे है। देन साथ ही मैं आपको इसकी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। इस स्कूटर में आपको लेंथ प्रोवाइड किया जाता है 1800 mm की। देन इसका विड्थ आपको प्रोवाइड किया जाता है 460 mm का। देन इसकी हाइट आपको प्रोवाइड किया जाता है 1100 mm की। देन इसका वेट आपको प्रोवाइड किया जाता है 67 kg का। देन इसमें लोडिंग कैपेसिटी आपको प्रोवाइड की जाती है 140 kg की। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में, तो चलिए आगे चलकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी एग्रेसिव और अट्रैक्टिव लुक आप लोग आपको देखने को मिलता है विद डबल DRL के साथ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसके DRL में ही इसका टर्न इंडिकेटर प्रोवाइड किया गया है कंपनी की तरफ से। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखिए, उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, इसमें आपको टर्न इंडिकेटर प्रोवाइड किया गया है। देन ठीक उसके नीचे आपको जॉय ई बाइक का सिम्बल देखने को मिलता है विथ ग्राफिक्स। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको DRL देखने को मिलता है LED हेडलैम्प के अंदर। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी एग्रेसिव और अट्रैक्टिव दिखता है ये फ्रंट प्रोफाइल से आपका स्कूटर। देन फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट टेलीस्कोपिक फोर्क टाइप सस्पेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके ऊपर आपको रबर का कवर भी देखने को मिलता है। देन टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किए गए, जिसका टायर रेशो आपको ऑन स्क्रीन शो रहा है, वीडियो के अंदर देख सकते हैं, विद ब्लैक एंड सिल्वर अलॉयस के साथ। देन दिस साइड में आपको कार्बन फिनिश प्रोवाइड किए गए, जो कि काफ़ी एग्रेसिव लुक देता है आपके स्कूटर को, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। देन देखिए इसका साइड स्टैंड, ये डबल स्टैंड। देन दिस साइड यहाँ पर आपको वुल्फ का स्टिकर देखने को मिलता है सिम्बॉल विद डिज़ाइन के साथ। और ठीक नीचे उसके VNV की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। देन दिस साइड ये देखिए इसका साइड पैनल फाइबर में आपको प्रोवाइड किया गया है। देन रियर सस्पेंशन की बात करें तो आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है डुअल एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर्स, देखिए ब्लैक कलर में। देन दिस साइड यहाँ पर आपका ये देखिए बैक साइड का नंबर प्लेट के लिए जगह, उसके ऊपर आपका स्टॉप लैम्प, देन आपका रिफ्लेक्टर। देन ठीक उसके लिए आपका LED में टेल लाइट, रियल टेल लाइट, ये LED में टर्न इंडिकेटर्स, काफ़ी एग्रेसिव और अट्रैक्टिव दिखता है, जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ये देखिए टर्न इंडिकेटर। देन उसका आपको इसके ठीक बिल्कुल ऊपर यहाँ पर देखिए जॉय ई बाइक की नेम की ब्रांडिंग प्रोवाइड की गई सीट के बिल्कुल ऊपर। देन दिस साइड ये आपका वुल्फ नेम का ब्रांडिंग विथ लोगों के साथ, यहाँ पर VNV की ब्रांडिंग, ये आपके रियर के सस्पेंशंस। देन उसके नीचे ये देखिए आपको रियर में 110 mm का डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किया गया है। रियर में आपको रियर और फ्रंट दोनों साइड आपको ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किया गया, जिसका टायर शॉप ऑन स्क्रीन शो है, जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। देन बात करते हैं इसमें के साइड प्रोफाइल के बारे में, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स प्रोवाइड किया गया आपको, ग्राफिक के साथ कार्बन फिनिश भी काफ़ी एग्रेसिव दिखती है, जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। देन फ्रंट में आपको 110 mm का डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ब्लैक एंड सिल्वर अलॉय के साथ। ये देखिए सिल्वर कलर का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है ब्लैक अलॉय के अंदर, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। देन हैंडल की बात करें तो ये देखिए
काफ़ी स्मूथ ग्रिप यहाँ पर प्रोवाइड किया जाती है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में हाई बीम लो बीम स्विच प्रोवाइड किया जाता है, देन ठीक उसके नीचे आपका टर्न इंडिकेटर स्विच, देन ठीक उसके नीचे आपका ऑन का स्विच, देन यहाँ आपका ब्रेक लीवर, देन दिस साइड यहाँ पर देखिए आपको प्रोवाइड किया जाता है हेडलैम्प का स्विच फ्रंट ऑन ऑफ का, देन ठीक उसके नीचे आपका राइडिंग मोड का स्विच, देन उसके साइड में आपको ड्राइव एंड रिटर्न मोड का स्विच प्रोवाइड किया जाता है रेड कलर में, देन ये आपका ब्रेक लीवर। मीटर कंसोल की बात करें तो आपको इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल प्रोवाइड किया गया है। मीटर कंसोल के अंदर आपने कौन कौन से फीचर्स साइन प्रोवाइड किए ऑन स्क्रीन शो हो रहा है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मीटर कंसोल के ठीक नीचे आपको जॉय ई बाइक का लोगो प्रोवाइड किया गया है जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। देन दिस साइड यहाँ पर आपको एक छोटा सा चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड किया गया है, ये देखिए यहाँ पर, देन ठीक उसके नीचे आपको एक पॉकेट प्रोवाइड किया गया है जिसके ऊपर आपको कार्बन की फिनिश देखने को मिलती है। देन ये देखिए बॉटम साइड में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है, ये देखिए आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। देन यहाँ पर आपका ये देखिए चार्जिंग का सॉकेट प्रोवाइड किया गया है, देन दिस साइड आपका की का स्विच प्रोवाइड किया गया है, देन उसके नीचे आपका पॉकेट प्रोवाइड किया गया है जिसके ऊपर कार्बन फिनिश आई होप आप देख सकते होंगे, ये देखिए उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा कार्बन फिनिश। देन बॉटम साइड में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन प्रोवाइड किए गए। देन बात करते की के बारे में तो देखिए आपको रिमोट कंट्रोल की यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, इस की में आपको स्टार्ट लॉक अनलॉक देन अलार्म का स्विच ऑप्शन प्रोवाइड किए गए, कुछ इस तरीके से की आपको इसमें प्रोवाइड किए गए। चलिए इसका सीट ओपन करके अंडर सीट देखते हैं। तो देखिए अंडर सीट आपका यहाँ पर बैटरी प्रोवाइड किया गया है, ये आपका मेन स्विच जहाँ से आप बैटरी ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पर ये पैनल पर आपको कुछ वार्निंग सेंस प्रोवाइड किए गए, देन इसके नीचे आपका स्कूटर का बैटरी प्रोवाइड किया गया है, इसके नीचे आपका बैटरी प्रोवाइड किया गया है जिसका बैटरी का कैपेसिटी बैटरी टाइप टोटल आपको ऑन स्क्रीन शो हो रहा है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है एक इलेक्ट्रिक बाइक का, बाकी आप कमेंट में बताएं आपको कैसा लगता है। देन ये इस स्कूटर का चार्जर है देखिए कुछ इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया गया है, अब उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए इसे क्लोज कर लेते हैं। देन बात करते हैं राइडिंग स्विच के बारे में, कितना स्पीड प्रोवाइड करती है। फर्स्ट राइडिंग मोड में देखिए कितना स्पीड प्रोवाइड करती है 29 का, देन सेकेंड राइडिंग मोड में देखते हैं अभी कितना स्पीड प्रोवाइड करती है, ऑलमोस्ट 39 का एग्जैक्ट। देन थर्ड में देखिए कितना स्पीड प्रोवाइड करती है 49 का कन्फर्म। तो ये थी इसके राइडिंग मोड्स। देन सीट की बात करें तो काफ़ी अच्छा और मुलायम सीट कंफर्ट की सबसे अच्छा आपको प्रोवाइड किया गया है। देखिए नहीं देखिए आपको बहुत अच्छा एक एक्सेसरीज के हिसाब से अच्छा फीचर्स प्रोवाइड किया गया। देन ग्रिप फ्रेम हैंडल की बात करें तो काफ़ी वाइड बल्कि देन एग्रेसिव ग्रिप फ्रेम हैंडल आपको प्रोवाइड किया गया, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा। अगर आप गंगापुर या गंगापुर के आसपास के विलेज से बिलोंग करते हैं सो प्लीज़ एक बार से आके जरूर विजिट कीजिएगा यूनिक मोटर्स में। शोरूम का नेम नंबर एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके विजिट कीजिएगा। यहाँ पर आपको ठीक ठाक प्राइस रेंज में अच्छे खासे ऑफर में स्कूटर इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी कीप स्माइलिंग टेक केयर ड्राइव सेफ एंड बाय बाय।